गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 6 भरत के बारे में समझेंगे। उसमें पेज नंबर 37 पर लिखा है, पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुझे खिलौना दूंगी। ये बालक है वह सिंह के बच्चे की जिद कर रहा था और पहली तपस्विनी उस बालक को कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तो बालक कहता है, ब्रैकेट में लिखा है, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है खिलौना। दुष्यंत कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा है, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी कि सुबह में जो खिला खिला जो कमल का फूल होता है उसको भी शर्मा देगी, ऐसी उसकी हथेली है। क्योंकि राजा दुष्यंत वह बालक की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी, सुव्रता यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले। हाँ, दूसरी तपस्विनी से कहती है कि हे सखी, ये बालक यह बातों से नहीं मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसको ले आओ। तो पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, चाहती है पहली तपस्विनी। बालक कहता है कि तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। ब्रैकेट में लिखा है कि यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा है, आप ही आप, यानी कि वह पेड़ के पीछे से छिपकर खुद अपने आप से कहते हैं कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है, मेरा मन खेलने का होता है सुंदर बालक के साथ। ब्रैकेट में लिखा है, आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं, वो धन्य है, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं, वो धन्य है वो लोग। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, क्यों रे जिद्दी बालक, तो मेरी बात कान नहीं धरता, क्यों मेरी बात सुनता नहीं जिद्दी बालक। ब्रैकेट में लिखा है, इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। ब्रैकेट में लिखा है, दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। और दूसरी तपस्विनी ने उस पीछे पेड़ के पास जो दुष्यंत राजा खड़े थे उसको बुलाया और कहा कि महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत राजा कहते कि अच्छा। ब्रैकेट में लिखा है, बालक के पास जाकर और हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, यह तपोवन के इस वन के विरुद्ध तुमने ये व्यवहार क्यों किया है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, जिससे तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे कुल की इज्जत जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, ब्रैकेट में लिखा है, बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, उस बालक ने, दुष्यंत राजा ने ये बात बालक को समझाई तो उस बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगला पेज अगले दिन समझेंगे।